दोस्तों आज की कहानी है ननद जी जब मेहमानी बनकर रहना है तो मायके में हक क्यों दिखाती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ठंडी हवाएं चल रही थी पर बारिश थम चुकी थी। उसने एक नज़र अपनी सांस कन्निका जी पर डाली और सिस्टर को बोलकर अस्पताल से घर के लिए स्कूटी से निकल पड़ी। स्कूटी की स्पीड के साथ ही उसके मन में विचारों ने भी स्पीड पकड़ ली थी। पता नहीं अभी तक बच्चे स्कूल से आए होंगे या नहीं। इस बारिश की वजह से रोज उनकी बस भी लेट आ रही। सुबह अस्पताल आने की जल्दी से पहुंचकर सब बाकी काम भी निपटाना है और शाम के लिए भी खाना बनाकर भेजना है। अरे कहां और किसके हाथ भेजूंगी इनको, तो आज ओवर टाइम करना। सुबह और शाम की शिफ्ट खत्म करके ये तो रात को 1 बजे तक आएंगे। शगुन के विचारों का सिलसिला खत्म होने से पहले घर आ गया। घर के अंदर घुसती उसका दिमाग बना गया। दोनों नंदे सोफे पर ही पसरी हुई थी। उसे देख उलाहना देने लगी। क्या शगुन भाभी, आपको तो पता है कि हम लोग नाश्ते में दलिया नहीं खाते और खाने में आपने तुरई ही बनाई थी और दाल भी पतला सा और चावल हमसे खपता नहीं है। मम्मी के लिए रोटियां बना रही थी दो सार हमारे लिए भी बना देती। क्या तुम्हारे राज में अब हम लोगों को अपने मायके में ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा। माँ या होती तो तुम्हारी अच्छे से खबर लेती। थकी शगुन बस इतना ही बोली। दीदी बच्चे स्कूल से आ गए कि नंदे कुछ बताती। तब तक शगुन की आवाज़ सुनकर बिल्लू और सीकू कमरे से बाहर आ गए। हाँ मम्मा हम लोग आ गए, खाना खाया। शगुन ने गले लगाकर पूछा, नहीं मम्मा आपका इंतजार कर रहे थे, आपने भी तो नहीं खाया, खाना नहीं खाया होगा। बच्चों की बात सुन शगुन की आंखें सलग गई लेकिन जल्दी से आंसुओं को आसल में छुपा लिया। बच्चों से अभी आई बोलकर शगुन कमरे में चली गई। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में गई। वहाँ सीक में पड़े झूठे बर्तन उसे सीधा रहे थे। उसने नोटिस किया कि उसकी नंदों ने बना खाना न खाकर कुछ अपने लिए स्पेशल बनाया था और बर्तनों का ढेर लगा दिया था। बारिश होने की वजह से संपा भी काम पर नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से सब किचन समेटा। तभी उसे याद आया कि धुले कपड़ों को सुखाने के लिए नंदों से बोला था लेकिन पता नहीं उन्हें डाला भी है या नहीं। बाथरूम में गए तो देखा कपड़े बाल्टी में ही हैं। उस वक्त उसका मन हुआ कि जोर जोर से चिल्लाकर बोले, जब मेहमानी बनकर रहना है तो मायके में हक क्यों दिखाती हो। शगुन भाभी बारिश बांधे हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे, वहीं से मम्मी को देखने अस्पताल चले जाएंगे। मम्मी की शाम की साई आपने बना दी हो तो हम ले जाए। बड़ी ननद जया परस लेकर सामने खड़ी हो गई। दीदी आपने पहले बताया होता तो मैं बना देती। अभी शगुन के को आगे बोलने भी नहीं दिया और शुरू हो गई, अब हम अपनी मायके में तुमसे पूछ कर कहीं आएंगे और जाएंगे। तुम बहू हो, तुम्हारी सास अस्पताल में बीमार पड़ी है, तुमको उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए या नहीं। अरे अगर अच्छे से ख्याल रखा होता तो मम्मी आज अस्पताल में नहीं घर पर होती। खैर मुझे क्या, हम लोग जा रहे भी छोटी ननन विजया क्यों पीछे रहती। ताने मारने में दोनों की बातों को सुनकर शगुन को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन चुप रह गई। उनके जाने के बाद गीले कपड़े और गन्नी पर डालते डालते शगुन बड़बड़ाने लगी। समझ नहीं आता कि ये दोनों दीदी बीमार
मम्मी जी को देखने आई है या मायके में आराम और मटर गश्ती करने। सगुन जल्दी जल्दी बसा काम निपटा फिर से किचन में चली गई ताकि जल्दी से रात का खाना बनाकर अस्तपाल ले जाए। सगुन की सास को दो दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दोनों नंदों का ससुराल एक दो घंटे के अंतराल पर ही है इसलिए उन्हें जैसे ही सुस्ता मिली तुरंत आ गई। हालांकि सगुन ने अपने पति से कहा भी कि डॉक्टर ने कह दिया है कि डरने की कोई बात नहीं, बस दो दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अभी दोनों दीदी को मत बुलाओ, घर अस्पताल के साथ वह उनकी खातिरदारी नहीं कर पाएगी। लेकिन इन भैयाओं को बहनों के आगे पत्नी हमेशा दुश्मनी लगती है। सगुन ने बच्चों को अच्छे से समझाया कि जब तक वो वापस नहीं आती है तब तक कोई भी आज आए दरवाजा मत खोलना। बच्चे हंसते हुए बोली हाँ मम्मा, अगर बुआ होगी तो भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। सगुन ने नकली गुस्से से आंखें दी गई और फिर हंस दी। सस कभी कभी ये बच्चे भी मजाक में ही मन की बात कह देते हैं। जब सगुन अस्पताल पहुंची तो देखा दोनों नंदे वहीं पर थी। उसे देखते ही सुप हो गई। सगुन सास को साय देने लगी तो विजया बोली हमारे लिए साय नहीं लाए किया और इस समय ढंग का खाना बना है या फिर यही मरीजों वाला खाना खिलाकर हमें भी अस्पताल में भर्ती करवाना। अरे मम्मी, तुम्हारे घर पर नहीं रहने से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब से हम लोग आए तुम्हारी इस आलसी बहू ने हमें भूखा मार दिया। नहीं ढंग का नाश्ता मिल रहा और न खाना। तुम घर चल कर इसकी अच्छे से खबर लेना। जया सेब खाते हुए बोली साए। बहू की नजरें मिली और सगुन ने जल्दी से सिर नीचे कर लिया ताकि उसके नम आंखें कोई देख ना ले। तुम दोनों आज यही अस्पताल में मेरे पास रुक जाओ। सगुन तुम घर चली जाना, सासू जी ने जैसे बोला। दोनों नंदे खड़ी हो गई। मम्मी यहाँ अस्पताल में हम कैसे रुक सकते और फिर यहाँ ढंग से सोने की भी व्यवस्था नहीं है और फिर ये फर्ज बहू का है कि वो सास की तीमारदारी करे। आप अपनी बेटियों से कैसे ये बोल सकती हैं। जया की बात सुनते ही मम्मी जी की कड़कती आवाज़ आई उठ उठ यहाँ से और घर भी जाने की जरूरत नहीं, अपना अपना शॉपिंग बैग उठाओ और यहीं से सीधा बस पकड़ कर ससुराल चली जाओ। तुम्हारा सामान बाद में पहुँचवा दूंगा। मम्मी पगला गई हो क्या, सास की तकलीफ सिर में घुस गई कि अपनी बेटियों को जाने के लिए कह रही। अरे भाई ने जैसे ही बताया कि तुम अस्पताल में हो हम दोनों अपने सभी जरूरी काम छोड़कर तुम्हें देखने आ गए और बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बेटियां हो इसलिए तुम दोनों की रंग रंग से वाकिफ हो। आज तक तुम दोनों की बदतमीजी को अनदेखा करती रही ताकि तुम दोनों की इज्जत अपनी भाभी के नज़र में बनी रहे। लेकिन मैं ही गलत थी, तुम दोनों को सही साबित करने में आज मैं ही बहू के सामने गलत साबित हो गई। या बीमार माँ को तुम दोनों देखने नहीं बल्कि ससुराल की जिम्मेदारी से भाग कर आई हो। बीमार माँ को देखने आई हो लेकिन एक बार भी पूछा कि माँ कैसी हो। भाभी ने नाश्ता खाना नहीं दिया, भूखा मार दिया और भी न जाने क्या क्या शिकायतें तुम दोनों को। मेरी बहू से वह बेचारी दो दिन से ढंग से न सोई न खाई, घर अस्पताल के चक्कर लगा रही, उसके कामों में मदद नहीं कर सकती लेकिन कमी जरूर गिना सकती। वो एक बार भी मेरी बहू से पूछा कि उसने खाना खाया, सही नाश्ता किया नहीं। ना तुम्हें यार ढंग से सोने की व्यवस्था नहीं दिख रही और मेरी बहू ने इसी स्टूल पर पूरी रात बैठे बैठे बिता दी। शायद तुम्हारे जैसी ही बेटियों के कारण ये कहा जाता है कि सास की तीमारदारी करने का फर्ज बहू का होता है। जल्दी बोलते बोलते मम्मी जी खांसने लगी। सगुन ने जल्दी से उन्हें पानी दिया
और पीठ सहलाने लगी। मम्मी जी चुप हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बहू, आज बोलने दे, आज तक अपनी बेटियों की सभी गलती माफी की हूँ। जानती थी तुम सही हो, फिर भी इनका साथ दिया। इनसे आज बोल मेरी नजरों के सामने से चली जा। सगुन मम्मी जी के गले लगकर किसी तरह उन्हें शांत करती है। जया विजया थोड़ी देर तक खड़ी रही और फिर पैर पटकते हुए वापस अपने ससुराल चली गई। और जाते जाते सास बहू के रिश्ते को खुशनुमा पल में पिरो कर और भी मजबूत कर गई।